आज हम एक थावर तहसील में करबुन गांव है तो वहां पे आए हैं। यहां पे भगवान शिव का एक बड़ा मंदिर है, तो चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। और ये एक चबूतरा बना हुआ है, तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और जानकारी लेते हैं। तो अभी हम मंदिर में आ गए हैं, तो अभी हम मंदिर के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे हमें तीन भाई मिले हैं, तो इनसे बातचीत वगैरह करते हैं। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मंगलाराम। मंगलाराम जी, तो आप यहीं के ही रहने वाले हो? सेवा करते हैं यहाँ पे, आप सेवा करते हो, तो आप हमें मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मंदिर आश्रम है, जगह सेवा करते हैं। बराबर। मठ है? मठ है ये। अच्छा, तो सन्यासियों की मठ है? ये सन्यासियों की मठ है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे ये धूना बना हुआ है, ये यहाँ का धूना है। यहाँ पे श्री राम भगवान का मंदिर है, ये श्री राम लक्ष्मण सीता, जय श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान की जय। ये बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है ये। ये गुरु जी का आश्रम है। यहाँ पे गादीपति है। यह मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, को मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव, शिव शंकर भोले शंभु, शिवलहरी बम बम महादेव, देवों के देव महादेव की जय हो। जय शिव शंकर भोले शंभु, शिवलहरी बम बम महादेव। ये यहाँ पे सत्संग भवन बना हुआ है, ये सत्संग हॉल है, तो यहाँ पे सत्संग वगैरह जो भी होता रहता है यहाँ पे। यहाँ पे जो यात्री आते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे होती है रुकने की व्यवस्था। यहाँ पे जो डॉग है, डॉग के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, और सामने गौशाला भी है, और ये चारा का गोडाउन है। यहाँ पे ये समाधि स्थल है, तो ये करीबन 300-400 साल पुरानी है जी समाधि स्थल, जो यहाँ पे जीवित समाधि ली थी। और ये गांव का पूरा तालाब है, तो पूरा गांव मतलब यहाँ से पानी पीता है। और ये सामने एक मंदिर बना हुआ है, आगे गौशाला मोटी। ये पक्षी घर बना हुआ है, तो ये बड़ा है, वो पास में छोटा है, और एक और बना हुआ है, हाथ मार लो हम ऊपर, वो भी दिखाते हैं आपको। और ये एक बना हुआ पक्षी घर। ये यहाँ का भोजनशाला कक्ष है, यहाँ पे भोजन वगैरह, चाय नाश्ता यहाँ पे तैयार होता है। हरिओम। यहाँ साधु संतों के लिए यहाँ पे गर्म पानी होता है, और ये कुआ बना हुआ है,
और एक पानी का टांका बना हुआ है। ये पक्षियों के लिए है ये, और ये पक्षियों के लिए पानी है। तो ये यहाँ पे जो गायों के लिए जो पौष्टिक आहार तैयार होता है, तो ये गायों के लिए है, ये बाजरी का दलिया। यह पुराना मंदिर है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मंदिर के अंदर एक साथ में तीन शिवलिंग है, और ये भैरव दादा का मंदिर है ये। और यहाँ पे एक छोटी सी गौशाला है, तो ये है यहाँ का चारा डिपो। जय गौ माता, जय गोपाला। 800 गाय यहाँ पे, 700-800 गाय भी हैं। तो पास में एक बड़ी गौशाला है, तो वहाँ पे भी आपको ले चलते हैं, दर्शन करवाते हैं गौ माता के। केड़ी नंदी वाला केड़ी, यहाँ पे ये सब नंदी है, ये सभी नंदी हैं जो बैठे हैं। जय गौ माता, जय गोपाला। जय गौ माता। अभी हम मंदिर के जो पास में बना हुआ उसकी छत पे आए हैं, तो आपको ऊपर से ये सारा नज़ारा व्यू दिखाते हैं। ये सामने मंदिर है, पास में पक्षी घर है, और एक बड़ा पक्षी घर बनाया है। ये गौशाला है, ये सामने तालाब आ गया, आश्रम नागरवन बाप जी कर समाधि आ गया, आश्रम।